मनीफिट में पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मनीफिट के रहने वाले घायल सोनल ने बताया कि राजा राम किशोर व अन्य ने लाठी डंडे से पीटकर उन्हें घायल कर दिया है। सोनल ने आरोपियों पर घर में चोरी की नीयत से घुसने और जानलेवा हमला करने जैसे संगीन आरोप लगाया है। सभी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। राजा राम जैसे हमारा ये हुआ है, जो हमको घायल किए हैं, उनका नाम है राजा राम, लड़का का नाम है किशोर कुमार। राजा राम किशोर कुमार, विजेंद्र कुमार, विपिंदर कुमार, संगीता कुमारी, अजीता कुमारी, ठीक है। रात को राजा राम और विपिंदर 3 बजे भोर में मेरा घर में घुसे थे चोरी करने की नीयत से, ठीक है। तो हम देख लिए तो हम बोले कि चलो इससे सुबह पूछा जाएगा, बगल का बात है, ठीक है ना। तो सुबह वही हम लोग पूछे, अभी क्या कहते हैं, सुबह से घर से लोग नहीं निकले, 10-11 बजे निकले तो पूछे, तो उसी पे ये लोग घर से गया, घर में घुस के तलवार वाला रोड ला के हमारे साथ लड़ाई किया, हमारे घर को तोड़ फोड़ दिया है, शीशा उसे तोड़ दिया, पिताजी को देखिए, अच्छा हमला किया, जानलेवा हमला किया है। कितने लोग थे हम लोग, कितने लोग थे? 8-10 की संख्या में, और अन्य भी थे, अन्य भी थे उनके साथ। और हमारे घर के महिला के ऊपर भी ये हुआ है, मेरा चैन छिनताई हुआ, 15,000 रुपया कैश था। टेलको थाना अंतर्गत बाली नगर से आए लोगों ने मनोज गुप्ता नामक एक व्यक्ति पर मारपीट और रंगदारी का आरोप लगाया है। एसएसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे बाली नगर निवासी हमीद अली अंसारी का कहना है कि मनोज गुप्ता दबंग किस्म का व्यक्ति है और रंगदारी की मांग करता है। इनकार करने पर उसने मारपीट कर जख्मी कर दिया है। उनका कहना है कि थाना प्रभारी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये शाहिद आजाद अनवर साहब हैं, 6 सितंबर को पिछले माह मनोज गुप्ता नामक व्यक्ति के द्वारा, आजाद अनवर जो पेशे से टेम्पो चालक हैं, इन्होंने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, इनके साथ मारपीट की गई, मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इन्होंने टेलको थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जो 307 का मामला उसके ऊपर दर्ज हुआ। आज 1.5 महीना गुजर गया, उसके बाद भी पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आए दिन वह अपने साथियों के साथ मिलकर आजाद अनवर को धमकी देता है कि तुम अब केस वापस लो, नहीं तो इसके परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा, पूरे परिणाम की धमकी देता है। और इसी चंद बातों को लेकर हम लोगों ने सीनियर एसपी से आज गुहार लगाई कि उसकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। बस्ती वासी हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग टेलको से आए हैं। पोखाड़े स्थित NSIBM में बुधवार को विभिन्न कॉलेजों एवं संस्थानों के 500 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने कार्यशाला के जरिए उद्यमिता विकास की जानकारी दी। उद्यमिता विकास पर पोखाड़े स्थित NSIBM में बुधवार को कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। विभिन्न कॉलेजों के 500 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। कार्यशाला में XLRI के अलावा कोलकाता से आए विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। व्याख्यानमाला में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग एवं उद्यम लगाने हेतु न्यूनतम जरूरतों एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में रजिस्ट्रेशन के जरिए छात्रों को दाखिला लिया गया और उन्हें बाद में व्याख्यानमाला में सम्मिलित होने के लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए गए। फास्ट रहती है कि वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। हमारा वेस्ट लैंड वहाँ पे काजू का गोल्ड माइन बोलते हैं, तो हमारा फॉरेस्ट तो सारे देश में सबसे ज्यादा है, 30% लैंड हमारा फॉरेस्ट का है। तो इसलिए हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हमको उपलब्ध हैं, लेकिन इन रिसोर्सों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा तभी इन रिसोर्सेज का उपयोग हो सकता है। इन दो कारणों से हम विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बहुत जरूरी है देश के लिए और आपके खुद के लिए। BSNL द्वारा बुधवार को टेलीफोन अदालत लगाकर बकायेदारों को केस कचहरी से बचने का एक और मौका दिया गया। BSNL के बकायेदारों की सूची बहुत लंबी है। इनमें से कुछ पर सर्टिफिकेट केस कर दिया गया है और कुछ पर प्रक्रिया जारी है। महाप्रबंधक ने बताया कि ब्रांड बैंड में 3 जिलों से मिलाकर कुल 3.5 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं मोबाइल में लगभग 2 करोड़ बकाया है। BSNL ने इसके लिए बकायेदारों को 10-50% तक की छूट भी दे रखी है। बहुत पुराने केस है जिसको कि हम लोग यहाँ पे निपटारा किए, और आप लोग के माध्यम से सभी कस्टमर को हम लोग बोल रहे हैं कि
जिनका भी आउटस्टैंडिंग बिल है वो अपना जमा करें, नहीं तो उनको फर्दर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। अभी जो आप लोग को मालूम होगा कि अभी 3 आदमी के ऊपर हम लोग अभी वारंट इशू हो गया है और करीब 20 केस का हम लोग अभी सर्टिफिकेट केस का ऑलरेडी भेज दिए और बहुत जल्दी हम लोग को नोटिस इशू हो भी गया है और हमको लग रहा है कि अब उन लोग को जो दिक्कत होगी। तो हम सभी उपभोक्ताओं को आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी हम लोग का टेलीफोन आदत लगे या हमारा जो है मेगालो का अदालत जो अदालत में लगता है आप उसमें आइए और जो भी रिबेट मिलता है 10% 15% 25% और 50% वो देके इस सुविधा का चाहे ये जो स्कीम है उसका लाभ उठाइए। ये स्कीम जो है सिर्फ 31 मार्च 2016 तक है, उसके बाद स्कीम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 1 रुपये का रिबेट नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ लाखों में भी है, कुछ 50,000 का भी है, 75,000 का भी है, अलग अलग है, 20,000 भी है, 10,000 भी है। ऐसे टोटल जो हम लोग का लैंडलाइन में अब तक जो आउटस्टैंडिंग जो है वो करीब 7 करोड़ के आसपास है और ब्रॉडबैंड में टोटल आउटस्टैंडिंग तीनों जिला मिला के करीब 3.5 करोड़ है और मोबाइल में करीब जो है 2.5 करोड़ है। सरकारी विभाग में किस किस विभाग में जो है जो बताया सर? पर सरकारी विभाग में मैक्सिमम लोग जमा कर दिए हैं, अब जो है मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब वो खाली बिजली डिपार्टमेंट है जेएसएबी उसी के पास है।